सो हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वो बहुत अच्छी हो गई, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहा है और अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने कपड़े तो डाल रखे थे ऊपर, सूख गए, अब जा रहे हैं नीचे लगाने, क्योंकि मेरा जो मैट्रेस है उसके जो गद्दे हैं, अभी धूप हो रही तो मैं रख दे रही हूँ, नहीं तो फिर धूप चली जाएगी ना। अभी तुम लोग नहीं ले जाओ, गिर जाओगे, धूप ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर धूप में रखना फिर पॉसिबल नहीं होता, कि गद्दों को रखना धूप में बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो जरूरत थी कि बच्चे होते हैं घर पे ना, तो कपड़े इधर उधर हो जाता है या पानी गिरता रहता है, मेरे घर में तो अक्सर पानी गिरता ही रहता है, तो इसलिए मैं गद्दों को धूप में दिखाती रहती हूँ 15 दिन में या महीने भर, मंथ में एक बार दिखा देती हूँ। मेरा एक चादर सूख गया, दूसरा चादर ये रखा हुआ है, और ये मुझे पिलो कवर्स चढ़ाने सूख गए हैं, दूसरे वाले चढ़ाऊँगी, ये वाले रख दूँगी, और बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे अभी करने हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं, चल के पहले देखते हैं और कपड़े मेरे जो साइड में पहले ही सूखे या नहीं सूखे। मेरा एक एक सूट चुने भाई ना, अभी नहीं सूखे यार, कुछ कपड़े सूख गए हैं। जहाँ धूप लगती है तेज वहाँ कपड़े सूख जाते हैं, अदरवाइज सूखते ही नहीं है। ये टावल सूख गई है। लगाना है मुझे, जैनी को बांध दिया, सो अभी जैनी को बुला लिया है ऊपर, नहीं बोलेगी तुमसे, जैनी को बुला लिया है ऊपर, ऊपर आ रही है क्योंकि वो भी टहली नीचे भूख रही है। मैं कपड़े उतार रही हूँ, इधर भूखती रहेगी, एक मिनट दिखाती हूँ, जैनी आ रही है। आओ चलो आ जाओ, ये देखो जैनी आ गई, इधर आओ, इधर आओ, चल रही हो, आ गई ऊपर, चलो।
लिया है, बेडशीट बिछा दी है, अब कर लेते हैं कोम क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं। तो कर लेते हैं कोम और थोड़ी देर सो लेते हैं, नींद आ रही है मुझे बहुत जोर, आईज में पेन भी हो रहा है बहुत जोर, तो कर लेते हैं नींद पूरी क्योंकि फिर मैं थक जाती हूँ ना तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो पाते, मैं सारे के सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लग रही है। सो अभी मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, थोड़े बहुत जो काम होते हैं जो ज़्यादा वाले होते हैं ना वो कर दिए हैं ख़त्म, थोड़े बहुत काम होते हैं छोटे 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 वाले वो काम बचे हैं अभी करते करते, बहुत जो कि गर्मी लग रही है सच बता रही हूँ। अभी मुझे और भी काम करना है, ये देखो चार्ट पेपर मेरे पास में रखा हुआ है और ये ब्लू कलर का है और पिंक कलर का है, इस चार्ट पेपर को मुझे लगाना है, एक बॉक्स है उसको तैयार करना है अच्छे से उसमें लगाना है, उसमें भी और भी काम पड़े हैं मुझे बहुत सारे, वो काम ख़त्म करना है। सो चलिए पहले अभी सब काम ख़त्म करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताने वाली थी कि मैं पता है इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, बट फिर भी मैं वीडियो शेयर डेली कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, और ऐसी हो गई है कि मतलब अंदर से पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है मेरे शरीर में, मेरी बॉडी से सारी जो एनर्जी है वो स्टोर डाल के निकाल ली गई है ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि जब कफ होता है ना, कफ कोल्ड सारी चीज़ें एक साथ होती हैं ना, तो हल्का हल्का सा अंदर से शरीर जो बॉडी होती है अपनी बॉडी के अंदर हरारत भी आ जाती है ऐसा लगता है, और फिर उसके बाद में जो शरीर में वीकनेस आती है ना बाइक, और सच में बिल्कुल नहीं कुछ करने का नहीं करता, कुछ भी करने का नहीं करता, और ऐसी हालत में काम तो आपको करने ही है कैसा भी हो, अरे काम सबको ही सारे काम करने तो खुद ही पड़ेंगे, मुझे करने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, अपने घर के काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है
आंखें बंद करूँ और सो जाऊँ, बिल्कुल आंखें पता है बंद कर लूँ तो खोलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, बट अब क्या कर सकती हूँ, बंद होंगे खोलना तो पड़ेगा ही। काम जो ऐसे हैं कि कभी ये काम भी बहुत ज़रूरी है, और अभी मुझे मशीन लगानी है, मशीन में कुछ कपड़े रखे हैं उनको भी सिलना है, उसको सिलने के बाद मुझे बाहर जाना है, 3-4 दिनों के लिए जा रही हूँ और रेस्ट करूँगी, ये अभी मुझसे काम नहीं हो पा रहे हैं। मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि देख लो मेरी कैसी हालत होगी, और ऐसी हालत में भी काम नहीं छूट रहे मेरे, ये देखो पूरे फेस पे पता नहीं, फेस भी बहुत थोड़ा सा स्लिम स्लिम सा लग रहा है ना देखने में, थोड़ा स्लिम स्लिम लग रहा है देखने में, क्योंकि इस टाइम मैं खाना भी नहीं चुका पा रही हूँ अच्छे से, खाना फिर जा ही नहीं रहा है अंदर, पता नहीं क्या हो गया है, भूख भी नहीं लग रही है, ये सब पता है सिर्फ और सिर्फ कफ एंड कोल्ड की वजह से हो रहा है, और हल्का हल्का सा जो बॉडी के अंदर राहत रहती है उसकी वजह से रह रहा है। इसी वजह से मेरी मेंबरशिप मैंने वीडियो बनाई है, अपलोड भी करनी है, बट एडिटिंग होने में थोड़ी लेट हो रही है, तो एडिटिंग कर लूँगी, बट आप लोग गाइस अब मेरे अच्छे सब्सक्राइबर मुझे पता है मुझे सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों से मैं एक सपोर्ट मांगती हूँ सिर्फ, कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मेरा सपोर्ट बिना दिए ही आप लोग चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे सपोर्ट करोगे ही, हमेशा सपोर्ट करोगे, सपोर्ट तो मुझे करोगे ही ना, चाहे मैं अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 दिन मैं रेस्ट करूँगी, वीडियो नहीं आ पाएगी तो क्या, ऐसे तो है नहीं सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट तो करोगे ही ना, मुझे आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, और मेरी हालत देख के आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सच में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कल मैंने वॉइस ओवर किया था उसमें भी बहुत जोर की कफ हो रखा है तो खांसी आ रही थी, बट आवाज़ भी आप लोगों को मेरी चेंज लग रही होगी, तो चलिए रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को, शुक्रिया।